बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों मैं अपने चैनल क्विक मेंटेनेंस आइडियाज़ में। दोस्तों मैं आज आपको किस तरीके से बीम की साइडें और कॉलम की साइडें बनाई जाती हैं उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। यह दोस्तों आप देख रहे होंगे छत से पुरानी प्लाई खुली है और उसमें से कील निकाला जा रहा है। कील निकालने के बाद दोस्तों इसे हम नापेंगे। नापने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो भी आप शटरिंग साइड के लिए यूज कर रहे हैं उसकी जांच जरूर कर लें कि वह मजबूत है या नहीं। उसके बाद दोस्तों इसकी नपाई करें। नपाई होने के बाद इसको दोस्तों हम कटर मशीन से काटेंगे। और दोस्तों साइड बनाते समय आप विशेष ध्यान रखें, साइड की नाप प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि आप अगर कॉलम या तो बीम में साइड लगा रहे हैं और लेबर इसमें कंक्रीट का माल डाल रही है तो प्रॉपर शेप में आए, क्योंकि दोस्तों कम ज़्यादा आप रखेंगे कॉलम या तो बीम टेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों प्रॉपर नपाई करें। नपने के बाद दोस्तों यह सामने आप देख रहे होंगे कटर मशीन से प्लाई को काटा जा रहा है। पहले के समय में दोस्तों लोग आरी से काटते थे, काम बहुत लेट होता था, लेकिन आप यह सामने देख रहे होंगे कटर मशीन से बहुत जल्दी जल्दी प्लाई कट जाती है। कटने के बाद यह देख रहे होंगे आप नीचे दो बत्ते रखे हुए हैं। दो बत्ते रखे जाने के बाद दोस्तों इस पर हम बराबर कर कील लगाएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ यह कील लगाया जा रहा है। कील लगाते समय दोस्तों विशेष ध्यान रखें, साइडों से तो कील लगेंगी, बाकी दोस्तों बीच में भी बत्ता काट कर लगा कर उसमें कीलें लगाई जाएंगी, क्योंकि दोस्तों हैवी बीम या तो हैवी कॉलम होने पर कंक्रीट का प्रेशर ज़्यादा पड़ने पर दोस्तों प्लाई अगर हल्की होगी, फटी होगी या पुरानी होगी दोस्तों उससे माल निकलने लगेगा और आपका कॉलम और या तो बीम आपका दोनों ख़राब हो सकता है। इसीलिए दोस्तों जब भी साइडें बनाएं तो प्रॉपर मजबूत प्लाई होनी चाहिए और उसमें मजबूती से ही कील लगाएं। जैसा कि सामने आप देख रहे होंगे प्रॉपर अच्छी तरीके से कीलें लगाई जा रही हैं, इससे दोस्तों साइडों की मजबूती बराबर रहेगी। अगर दोस्तों मेरे चैनल क्विक मेंटेनेंस आइडियाज़ पर आप पहली बार आए हैं और दोस्तों आप चाहते हैं ऐसी वीडियो देखते रहें तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।